ठीक है, चलो तो फिर अपन लोग अपना यूडोमेट्री का लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। तो गैसियस स्टेट के बाद अपन ने कहा था कि यूडोमेट्री पढ़ेंगे, तो हेडिंग लिख लो, मतलब पार्ट ऑफ गैसियस स्टेट की तरह ही ट्रीट कर लो, बट एक दो पेज अलग से बचा के रख लो। और यूडोमेट्री लिख लो ऐसे, चैप्टर तो क्या ही है, मतलब इट्स जस्ट अ हेडिंग। तो इसमें मोल कॉन्सेप्ट और गैसियस स्टेट अगर आपको पता हो तो यूडियोमेट्री, और इसको हम गैस एनालिसिस भी कहते हैं, और गैस एनालिसिस। तो अगर हमको मोल कॉन्सेप्ट और गैस स्टेट पता हो तो उनके कॉन्सेप्ट्स का यूज करके हम लोग कुछ एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो किसी गैसियस मिक्सचर या गैसेस के एनालिसिस के ऊपर बेस्ड होते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अपन इसमें नहीं पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अपन पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम में। तो ये स्टडी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन इक्विलिब्रियम। ओके, लिख ली हेडिंग यूडियोमेट्री और गैस एनालिसिस, तो अपन इसकी थ्योरी पढ़ना शुरू करें। ठीक है, तो बिफोर वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दिस, दिस इज नॉट अ चैप्टर, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अलग चैप्टर नहीं है। गैसियस स्टेट का एक्सटेंशन मान लो, गैसियस स्टेट के बाद एक दो पेज छोड़ दो और आगे से लिखना शुरू करो। नेक्स्ट हेडिंग यूडियोमेट्री और गैस एनालिसिस। अगला चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे वो रिडॉक्स होगा। आफ्टर दिस वील स्टार्ट रिडॉक्स रिएक्शंस। तो वील ट्राई टू फिनिश इट ऑफ टुडे, हम कोशिश करेंगे यूडियोमेट्री आज ही खत्म कर लें जितना हो सके। तो लिखो बेटा, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं जो आपको यूज आएगी, और फिर उसके बाद अपन क्वेश्चंस ही करेंगे। इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चंस। लिखो, सर्टेन सॉल्वेंट्स आर यूज्ड सर्टेन सॉल्वेंट्स आर यूज्ड टू एब्जॉर्ब गैसेस, तो आपको ये अपने नोट्स में लिखना है, सॉल्वेंट और गैस, और गैसेस एब्जॉर्ब्ड। कौन सा सॉल्वेंट कौन सी गैस एड्सॉर्ब करता है ये आपको पता होना चाहिए। इसका यूज हम इस चैप्टर में करेंगे, चैप्टर मतलब इस टॉपिक में करेंगे। तो KOH एक्वस एब्सॉर्ब्स CO2, SO2, टर्पेंटाइन ऑयल एब्सॉर्ब्स O3, अल्कलाइन पायरोगेलॉल एब्जॉर्ब्स O2, अमोनिकल CU2Cl2, क्यूप्रस क्लोराइड एब्जॉर्ब्स CO कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर एब्जॉर्ब्स अमोनिया और HCl, CuSO4 और CaCl2, और करके लिखना ना इसको, तो CuSO4 और CaCl2 एब्जॉर्ब H2O वेपर्स, पानी के वेपर्स अगर होते हैं तो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये कुछ सॉल्वेंट्स और उनकी गैसेस हैं, ये जस्ट गुड टू नो है। कभी कभी अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए तो हमको पता होना चाहिए कि कौन सी गैस एब्जॉर्ब कर रहा है। अब हम क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दिस, थोड़ा आप लोगों का मोल कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा। हाँ, KOHCl2 भी एब्जॉर्ब कर लेता है, लिखना है क्या, लिख लो CL2, लो लिख लो।
वेपर और गैस में क्या डिफरेंस है? कुछ नहीं, तुम गैस लिख लो, H2O इन ब्रैकेट गैस, चलेगा। जनरली वेपर्स जो है वो लिक्विड के लिखते हैं अपन, H2O लिक्विड है, उसके वेपर्स बोल देते हैं, तो लिक्विड के साथ एग्जिस्ट करते हैं तो वेपर कह देते हैं। टर्पेंटाइन ऑयल तो पेंटिंग्स वगैरह के लिए यूज करते हैं यार, आयरन, जैसे जो मेटल पेंट्स होते हैं ना, उनको टर्पेंटाइन ऑयल में डिजोल्व करते हैं। चलो खैर, ये लिख लिया क्या, तो मैं सीधे क्वेश्चन पे आऊं। बिल्कुल सही बात है, लेट्स कम टू द क्वेश्चन। केरोसिन भी यूज होता है, केरोसिन दूसरी चीज के लिए होता है। लिखो लिखो सवाल लिखो तुम तो सीधे, लेट्स कम ऑन टू द क्वेश्चन, और फिर उसी से अपन समझना शुरू करते हैं। क्वेश्चन, व्हाट इज अल्कलाइन पैरोग्लोल, ये सवाल आया है। सॉल्वेंट है भाई, ऐसे तो टर्पेंटॉल भी पूछोगे, अलग अलग सॉल्वेंट आते हैं, केरोसिन क्या है? आस्किंग व्हाट इज अल्कलाइन पैरोग्लोल इज आस्किंग लाइक व्हाट इज पेट्रोल और व्हाट इज केरोसिन, ठीक है? तो केरोसिन इज अ सॉल्वेंट, हाइड्रोकार्बन से बना होता है, अल्कलाइन पैरोग्लोल इज ऑल्सो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है? तो ये सब अभी अपने को तो सिर्फ ये पता होना चाहिए कौन किस गैस को एब्जॉर्ब करता है, वो काम आएगा। बाकी केरोसिन कौन सी हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनता है, पेट्रोल कौन सी हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनता है, ये सब ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। काम की बात पे आते हैं जल्दी ना, इधर उधर की बातें छोड़ो, बहुत परेशान कर रहे हो आज। लिखो, व्हेन 500 ml CO2 गैस इज पास्ड थ्रू, व्हेन 500 ml CO2 गैस इज पास्ड थ्रू रेड हॉट चारकोल कॉमा द वॉल्यूम बिकम्स 700 ml, वॉल्यूम बिकम्स 700 ml, फुल स्टॉप। द वॉल्यूम ऑफ CO2 कन्वर्टेड इनटू CO इज, एक काम करो तुम, 700 ml मत करो, तुम क्या करो, तुम इसको 800 ml करो, बिकम्स 800 ml, फुल स्टॉप। द वॉल्यूम ऑफ CO2 कन्वर्टेड इनटू CO इज, द वॉल्यूम ऑफ CO2 कन्वर्टेड इनटू CO इज, बताओ भाई। ऑप्शंस दूं क्या? अच्छा चलो ऑप्शंस भी दे देता हूं। ए टू 100 ml, बी 300 ml, सी 350 ml, या फिर डी 500 ml। सबसे पहले तो तुमको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी कि रिएक्शन क्या हो रही है यहाँ पे, तो कितने लोगों ने रिएक्शन लिख ली है? तो कुहू ने लिख ली है, खुशबू ने लिख ली है, ठीक है, दिव्यांश ठीक है, श्रेयस ठीक है। हाँ तो देखो, ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन ने खुद बता दिया कि क्या करना है। गुड, आज से मिशन वेरी गुड। क्वेश्चन
क्वेश्चन ने बोला कि सीओ टू इज पास्ड थ्रू रेड हॉट चारकोल, द सीओ टू कन्वर्टेड टू सीओ, तो रिएक्शन क्या होगी? सीओ टू चारकोल क्या होता है भाई? चारकोल क्या होता है? कार्बन, और कन्वर्ट किसमें हो रहा है? कन्वर्ट किसमें हो रहा है? सीओ में, बिल्कुल। तो रिएक्शन जो आपको लिखनी है, क्वेश्चन ने आपको हिंट दे दिए, तो क्वेश्चन से इसके CO2 plus charcoal gives you CO, बैलेंस करोगे तो 2CO आ जाएगा, ये आपको दे रखा है। अब मैं इसका आंसर डिस्कस करना शुरू करूं क्या? Should I start discussing the answer? नहीं, टाइम चाहिए इसको करने के लिए, करो करो, कुछ लोगों के आंसर आ रहे हैं और ठीक भी आ रहे हैं, कुछ के गलत भी आ रहे हैं। कितनी देर दूं तुमको करने के लिए? कितना टाइम चाहिए? हाँ हर्षल बेटा, सही है। ओके अक्षत, तुम्हारा गलत है, बाकी ठीक है। अनुराग, यूनिट कौन सी यूनिट में बेटा तूने आंसर बोला है? जलज गड़बड़ है। पीयूष गड़बड़ है। कुहू ठीक है। मोक्षिका गलत है बेटा। रुचिता ठीक है। रूपांशु गड़बड़ है। अच्छा देखो, मैं प्रोसेस बताता हूँ, उसके बाद आंसर बताऊंगा। सुनो क्या कहा क्वेश्चन ने, आपके पास 500 ml CO2 है, तो इनिशियली देखो ऐसे लिखेंगे अपन, सुनना इसको, लिखने का तरीका भी सीखेंगे कि कैसे लिखना है। इनिशियली ये 500 ml है और CO अपने पास कुछ भी नहीं है, खाली है। आफ्टर रिएक्शन ये 500 में से कितना खर्च हुआ ये पता है क्या हमको? डू वी नो के 500 में से कितना खत्म हो गया है? नहीं पता है, वो पता करना है। तो मान लेते हैं x खत्म होता है, 500 में से x खत्म होता है ml वॉल्यूम में। अच्छा अब एक बात बेटा, अपन ने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो स्टोइकोमेट्री सीखी थी कि एक CO2 एक कार्बन से रिएक्ट करके कितने CO बना रहा है? दो, है ना? तो एक CO2 से अगर दो CO बन रहे हैं, ये चीज अपन मोल पे कह पा रहे हैं, तो ये चीज अपन वॉल्यूम पे भी कह पाएंगे। एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर V इज प्रोपोर्शनल टू N, ये अपन ने पढ़ा था गैसीय स्टेट में, याद है? मैं लिख भी देता हूं यहां पे कि एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, दैट इज अंडर सिमिलर कंडीशंस, वी इज प्रोपोर्शनल टू एन। तो होगा क्या कि अपन जो स्टोइकोमेट्री मोल्स पे लगा पा रहे थे वो वॉल्यूम पे भी लगा पाएंगे। इसका मतलब एक सीओ से दो सीओ, एक सीओ टू से दो सीओ बन रहे थे, तो हम ये कह सकते हैं कि एक एम एल CO2 खत्म होने पे 2 ml CO बनेगा। ये बात समझ आती है? बस तो बेटा, अगर यहां पर x ml खत्म हुआ है CO2, अगर x खत्म हुआ है तो CO कितना बनेगा? उसका डबल 2x ml। therefore टोटल फाइनल वॉल्यूम कितनी आएगी? फाइव हंड्रेड माइनस एक्स प्लस टू एक्स, तो ये आ जाएगी 500 प्लस एक्स एम एल। और क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, फाइनल वॉल्यूम कितनी हो जाती है? 800। दिस इज इक्वल्स टू 800 ml। therefore x equal to कितना आएगा बेटा?
x is equals to 300 ml. और यही अपने से पूछा हुआ था क्वेश्चन में कि कितना CO2 खत्म होता है, ये पूछा है. तो therefore आंसर इज 300 ml. आया समझ? व्हाट इज x? लो, मेरे पूछने से पहले ही सर नहीं समझ आया, ये भगवान. मेरे पूछने की पहली रिप्लाई आ गया, सर नहीं समझ में आया. मतलब पहला रिप्लाई जो मैं देखूं पूछने का, तो ये देखता है कि नहीं समझ में आया. बाकी लोगों ने कहा कि समझ आ गया. व्हाट इज x? x ये है कि कितना CO2 रिएक्ट कर रहा है, यही पूछा था अपने से सवाल में कि द वॉल्यूम ऑफ CO2 कन्वर्टेड इनटू CO इज, ये पूछा है कितना CO2 CO में कन्वर्ट हो जाता है. तो हमने मान लिया x कन्वर्ट होता है, उसको सॉल्व कर दिया. मतलब ये तो समझ में आना चाहिए. अगर ये समझ में नहीं आया तो आगे के सवाल कैसे करेंगे? ये तो इजी कैटेगरी का सवाल है. चलो ठीक है, करो अभी और सवाल करवाता हूँ. इसको नोट कर लो जल्दी से. समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं भी आया तो रुको अभी और सवाल करवाता हूँ. करते हैं और सवाल करते हैं. नया नहीं है, मतलब इट्स नॉट हार्ड एक्चुअली. पॉइंट इज कि तुमको मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा याद होना चाहिए. मैं तुम्हें एक लाइन और लिखवा देता हूं और फिर उसके बाद करवाता हूं. ये समझ नहीं आया है कि आपने 500 माइनस एक्स क्यों किया. बेटा 500 ml CO2 था, रिएक्ट करेगा तो कुछ वॉल्यूम खत्म होगी कि नहीं होगी CO2 की? होगी या नहीं, जल्दी बताओ. हो गया ना क्लियर? ठीक है, चलो भाई लिख लिया. 500 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x. नहीं नहीं बेटा, 500 माइनस एक्स प्लस 2x होगी ना टोटल वॉल्यूम. देखो CO2 आपके पास 500 ml था, CO कुछ भी नहीं था, रिएक्शन हुआ, CO2 कुछ बच गया, CO और बन गया, तो टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई आपके पास? टोटल होगी ना? हाँ बिल्कुल. तो 500 माइनस एक्स प्लस 2x इज दी टोटल वॉल्यूम. बिल्कुल, वो तो मैंने ऐसे ही कर दिया था चेंज 700 से 800, बस आंसर में फर्क पड़ेगा. 700 लिखता तो 200 आता, 800 लिखा तो 300 आ गया. चलो अभी और सवाल करते हैं. एक सवाल में कहां पूरी चीजें क्लियर होती हैं. लिखो लिखो, चलो आते हैं और सवाल करते हैं, थोड़े मुश्किल भी करेंगे. और ये जो सवाल तुम लिख रहे हो इनके सॉल्यूशन ढंग से लिखना, क्योंकि इनको तुमको रिपीट प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा. ठीक है, यूडोमेट्री में कोई थ्योरी नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस है. तो इन सवालों के ढंग से सॉल्यूशन लिख लेना. लिखो सवाल, व्हेन 20 ml मिक्सचर ऑफ O2 एंड O3, व्हेन 20 ml मिक्सचर ऑफ O2 एंड O3 इज हीटेड, कॉमा, द वॉल्यूम बिकम्स 29 ml. द वॉल्यूम becomes 29 ml and disappears in alkaline pyroglycol and disappears in alkaline pyroglycol solution. Full stop. What is the volume percent of O2? What is the volume percent of O2 in the original mixture? और आपको options दे देता हूँ. वॉल्यूम कम होगी या बढ़ेगी वो तो बेटा रिएक्शन पे डिपेंड करेगा. कभी कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है. इट विल डिपेंड ऑन द रिएक्शन. तो इसको लिख लो.
पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ कि क्या करना है या क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको कैसे समझोगे आप लोग, उसके बाद फिर अपन कुछ सॉल्व करेंगे। लिखा सवाल, चलो तो क्वेश्चन समझना शुरू करते हैं पहले, फिर तुम लोग सॉल्व कर लेना, मैं तो पहले तुमको टाइम दे दूंगा। सुन लो एक बार, क्वेश्चन बोल रहा है कि 20 ml मिक्सचर है जिसमें O2 और O3 है ना, 20 ml O2 प्लस O3, अब कितना O2 कितना O3 है हमको नहीं पता, वी डोंट नो। इसको हीट किया, ठीक है, अब हीट किया तो क्या होगा, मान लेते हैं हमको नहीं पता, ऐसे तो पता होना चाहिए, बट नहीं भी है पता तो कोई बात नहीं, सवाल देखते हैं आगे क्या कहते हैं। मान लें हमको नहीं पता कि O2 O3 को हीट करते हैं तो क्या होता है, हीट कर दिया, वॉल्यूम बढ़ के हो गई 29 ml, वॉल्यूम बिकम्स 29 ml एंड डिसअपियर्स इन अल्कलाइन पायरोगेलोल सोल्यूशन, एंड डिसअपियर्स इन अल्कलाइन पायरोगेलोल सोल्यूशन, मतलब ये 29 ml को जब पायरोगेलोल से पास करते हैं तो गायब हो जाता है, गायब हो जाता है मतलब एब्जॉर्ब हो जाता है। तो थोड़ा ऊपर जाके देखते हैं कि भाई अल्कलाइन पायरोगेलोल क्या एब्जॉर्ब करता था, O2, तो अगर गायब हो रहा है इसका मतलब ये 29 ml में कौन सी गैस रही होगी बेटा, पूरी की पूरी कौन सी गैस रही होगी, O3 कौन कह रहा है, O2 रही होगी ना, अगर अल्कलाइन पैरागोल में पूरी गैस एब्जॉर्ब हो रही है मतलब O2 रहेगी, बिल्कुल। तो व्हाट इज द वॉल्यूम परसेंट ऑफ O2 इन द ओरिजिनल मिक्सचर, अब वो अपने को बोला कि अब इतने डेटा के बाद ये बता दो कि ओरिजिनल मिक्सचर में O2 का परसेंटेज क्या था वॉल्यूम के हिसाब से। तो एक की वॉल्यूम मान लो आप, जिसका परसेंटेज चाहिए कितनी मान लें वॉल्यूम जिसका परसेंटेज चाहिए तुमको, एक्स मान लें, ठीक है, तो O2 प्लस O3 इसकी टोटल वॉल्यूम है 20 ml, ठीक है, और O2 को आप कह रहे हो एक्स एम एल, तो O2 अगर एक्स एम एल है तो O3 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 - 6, ठीक है 20 - 6 ml, और रिएक्शन में क्या हो रहा है, O2 को हीट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है और O3 को हीट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, O2 को हीट करने से क्या बन रहा है, फाइनली अभी क्वेश्चन क्या कह रहा था कि फाइनली खत्म हो जाती कौन सी गैस, खत्म होती है 29 ml में कौन सी गैस थी, O2 थी ना, तो O2 का तो O2 ही रहा, O3 का क्या बन गया, हाँ साथ में हीट कर रहे हैं, मैं तो बस लेख अलग लग रहा हूं, O3 का भी O2 बन गया क्योंकि फाइनली पूरे में O2 बचना है, 29 ml में सिर्फ और सिर्फ O2 ही है ना भाई, क्वेश्चन कह रहा था कि 20 ml था टोटल और फाइनली 29 ml हो गया और पूरा का पूरा O2 ही है, तो दोनों O2 ही बनाएंगे ना, O2 का हीट करने पे कुछ नहीं हुआ बेसिकली, वो O2 रहा और O3 हीट होने पे O2 बन गया, बैलेंस और कर देते हैं तो दिस बिकम्स 2 एंड दिस बिकम्स 3। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, x 20 - x से कितना कितना बना उससे x सॉल्व करो, और x आंसर होगा क्या तुम्हारा, क्या x तुम्हारा आंसर होगा, नहीं एक्स आंसर नहीं होगा, तुमसे वॉल्यूम नहीं पूछे, वॉल्यूम का परसेंटेज पूछा है, तो करो सर सॉल्व करो, एक्स निकालो, रिएक्शन समझ में नहीं आई विजिक्षु यार क्या करूं मैं बता, इतना इतना समझाना क्या नहीं समझ में आया तेरे को ये बता, तू सुनता नहीं है क्या यार, बीच बीच में कहीं गायब हो जाता है क्या, क्योंकि तू पिछली बार भी बोल रहा था समझ में नहीं आया, इसमें क्या नहीं समझ आया, रिएक्शन में सुन ले अभी तरह ध्यान से सुनना, O2 है O3 है, रिएक्ट करने का 29 ml बनता है जो सारा का सारा पैरोगेलोल में एब्जॉर्ब हो जाता है, इसका मतलब कि सारी गैस O2 है प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट में अगर O2 ही है तो O3 से क्या बन रहा है, क्या बन रहा है O3 से अगर प्रोडक्ट में O2 ही बनना है, तो O2 तो वो लिख दिया ना मैंने, O3 से O2 बन गया बस, और क्या किया बता, इसमें क्या नहीं समझ आया, ये तो कोई बड़ी भारी रिएक्शन भी नहीं है, और मैंने इसलिए कहा था कि ये पता भी होना चाहिए क्योंकि अभी ये याद कर लो कि भाई ओजोन को हीट करोगे तो O2 में बनता है वो, O2 प्लस O में ब्रेक होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़ के O2 बना लेते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, ये तो पढ़ा होगा तुमने बचपन में, ओजोन को हीट करते हैं तो क्या बनता है,
ऐसी रिएक्शन कहीं पड़ी होगी, ओ टू प्लस ओ और ओ प्लस ओ ओ टू हो जाता है। हाँ भाई, तो वॉल्यूम कितनी आ रही है, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 ml। हाँ 2 ml आ जानी चाहिए, सही बात है। तो देखो कैसे आएगा, ओ टू को तुमने मान लिया एक्स एम एल, तो ये प्रोडक्ट भी एक्स एम एल बनेगा, और ये ओ थ्री जो था ये था तुम्हारा 20 - x। तो बेटा एक ओ थ्री से, इधर साइड में एक ओ थ्री से कितने ओ टू बनते हैं, कितने ओ टू बनते हैं, 3/2 है ना, एक ओ थ्री से 3/2 ओ टू बनते हैं। सुन लेना सब लोग ध्यान से, यूनिटरी मेथड। तो 20 - x से कितने बनेंगे, तो 20 - x से कितने बनेंगे, कितने बनेंगे, 3/2 × 20 - x इतने ही बनेंगे बस। तो ये लिख देते, तो यहां बन गया 3/2 × 20 - x। तो ये x और 3/2 × 20 - x, इसकी टोटल वॉल्यूम कितनी दे रखी है, सवाल में टोटल वॉल्यूम कितनी दी हुई है, 29। x सॉल्व करना था, x में एक इक्वेशन चाहिए थी, मिल गई अपने को कि एक्स एम एल प्लस 3/2 × 20 - x इज 29, है ना। हाँ है ना, तो यहां लिख देते हैं कि ओ टू की वॉल्यूम जो फाइनल बन रही है वो x का तो x है, और ओ थ्री ओ 20 - x का हो गया 3/2 × 20 - x ओ टू, ये टोटल है 29 ml। सॉल्व कर देते हैं, तो 2x + 60 - 3x = 29 × 2 कितना होगा भैया, जल्दी बताओ, 58। तो 2 ml = x, therefore वॉल्यूम ऑफ ओ टू इज 2 ml इन 20 ml मिक्सचर, therefore परसेंटेज ऑफ ओ टू क्या हो गया, 2/20 × 100, 10% आया समझ। अब होगा ये कि कुल मिला के तुम्हें तुम्हारा दिमाग लगाना है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा थ्योरी नहीं आती है, यूनिटरी मेथड ढंग से लगाना आएगा तो सवाल हो जाएगा, है ना, मोल कॉन्सेप्ट। लिख लो जल्दी से, करते हैं और सवाल करते हैं, अभी तो इतने में मजा नहीं आएगा। बिल्कुल मोल कॉन्सेप्ट जैसा ही है, बस यहां पे गैस आ जाती है, तो मोल कॉन्सेप्ट में वॉल्यूम की जगह मोल्स पे काम करते थे, या वॉल्यूम पे काम करते हैं, और कुछ नहीं बदला है। लिख लिया सबने, और एक क्वेश्चन करें। आयुष खेलवाल नो, क्या सो रहा था क्या तू, अभी कह रहा था स्क्रॉल अप, अभी कह रहा है नो, कहाँ गया था तू क्लास छोड़ के बीच में। हाँ गो बेटा, बिल्कुल फर्स्ट और थर्ड चैप्टर पे बेस्ड है, यही था। अच्छा ठीक है, भगना नहीं इधर उधर, समझ गया। चले आगे, आगे चलते हैं, पर कह रहा है हाँ मतलब मैं चाह रहा हूँ जितने ज्यादा से ज्यादा सवाल कर लें यार, उतना अच्छा है। चलो जी, देखो इसमें वही है कि जितने क्वेश्चन कर लोगे ना उतना तुमको समझ में आता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, द परसेंटेज बाय वॉल्यूम, या रुको थोड़ा और आसान, फिर उसके रुको रुको थोड़ा सा एक और इजी सवाल करते हैं, फिर थोड़ा बेटर सवाल पे जाएंगे। लिखो एक और सवाल, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस
required for complete combustion of of a gaseous alkane having 4 carbon atom. तो ये तो मतलब बहुत ही सिंपल सवाल दिया है। बिल्कुल स्नेहा बेटा, ब्यूटेन रिएक्शन लिख लोगे तो सवाल हो ही जाएगा, मतलब कुछ बचा ही नहीं। ऑप्शन भी दे देता हूँ तुमको, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। 72 ml, बी 66 ml, सी 108 ml, या फिर डी 78 ml। एल्केन बनाने का फॉर्मूला, बेटा अब ये तो आना चाहिए ना, मतलब ये तो बहुत ही गलत बात है। बता तो मैं दूंगा आगे, लेकिन थोड़ा तो तुम्हें डांट खाने का डर होना चाहिए कि मतलब एल्केन का फॉर्मूला पूछ रहे सर से, शर्म नहीं आ रही? 4 कार्बन का एल्केन नहीं पता तुमको? हाँ, ब्यूटेन होता है C4H10, और क्या, 4 का विधान पिट जाएगा, CH4 लेकर, 1 कार्बन है CH4 में। पुष्कर ठीक है बेटा, आसिम गलत है, गलत है आसिम, करेक्ट करो। अनुराग सही है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ एक रिएक्शन लिखनी है। अगर तुमने रिएक्शन लिख ली तो इस सवाल में कुछ और है ही नहीं, मतलब C4H10 प्लस O2 गिविंग यू CO2 प्लस H2O। इस रिएक्शन को बैलेंस कर लो, तुम्हारा जवाब आ जाएगा। और आयुष खेलवाल, तेरा जवाब गलत आया है, तो रुक जा, तेरे को क्लास के बाहर निकालना पड़ेगा। तूने सॉल्व किया क्या आयुष? नहीं किया ना तूने सॉल्व? आंसर चापा है ना तूने इधर उधर से? करा है? एक ऐसे आ रहा तेरा आंसर करा है तो तूने, एक ऐसे आया फिर आंसर? चलो देखते हैं, मैं नहीं चापता। चलो अच्छी बात है, 13/2 × 12। तो बेटा 13/2 × 12 करना, 72 कैसे आ रहा 13/2 × 12? छापना मतलब कॉपी करना, छापना। हाँ भाई, बैलेंस कर लेते हैं, 4 CO2 5 H2O, ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे तो 13/2। जल्दी में गड़बड़ कर दी, बताओ पेपर में ऑप्शन ए मार्क कर देगा, -1 मार्क्स मिलेंगे, यही करते हो तुम, गड़बड़ है, कितनी भी समझा लो फिर भी नहीं मानते। हाँ भाई, तो एक C4H10 के लिए 13/2 O2, अब ये बात मोल पे भी लग सकती है, ml पे भी लग सकती है। तो 1 ml के लिए 13/2 ml, देयरफोर 12 ml के लिए कितना का लगेगा, 13/2 × 12 कितना आएगा, ये 78 ml है ना, ये तो क्लियर होगा सबको, आंसर इज डी। ये तो आसान था, सबको आ गया, इसमें तो मुश्किल नहीं है। अब वही है, देखो इसके सवालों में यही होगा, तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाओ, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग यूज करो और होता जाएगा। चलो तो आगे बढ़े, एक और सवाल करें, सवाल में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी ला दें,
लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. लिखो, आई होप सबने आंसर लिख लिया है, ये सॉल्यूशन लिख लिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. द परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ C4H10 इन अ गैशियस मिक्सचर, द परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ C4H10 इन अ गैशियस मिक्सचर ऑफ in a gaseous mixture of C4H10, CH4 and CO is 40. To stop, when 200 ml of the mixture is burnt, when 200 ml of the mixture is burnt in excess of O2, full stop, find the volume. Find the volume in ml, bracket closed, of CO2 प्रोड्यूस्ड. कितनी CO2 बन रही है इसका वॉल्यूम बताना है. हाँ चिंता मत करो उत्कर्ष बेटा, अभी ऐसे सवाल भी आ जाएंगे. तो एक मिक्सचर है, उसमें CH4, C4H10 और CO तीनों है, और उसमें C4H10 का परसेंटेज आपको ऑलरेडी दे रखा है, और अब आपसे बोला कि 200 ml इस मिक्सचर को बर्न करें तो कितना CO2 बनेगा ये बताना है. तो थोड़ा हेल्प करूं लॉजिक सोचने में स्टार्टिंग एटलीस्ट? नहीं, चलो तो ऑप्शन दे देता हूं तुमको. सर ऑप्शन इज, रुक जाओ ऑप्शन के लिए जगह बना लें. ऑप्शंस आर ए 220, बी 440, सी 340 या फिर डी 560. करो करो, चलो ट्राई करो, मैं वेट कर रहा हूं. मुझे भी बोलने से थोड़ा ब्रेक मिलेगा. करो करो, वरना तो तुम ठीक है भाई. विजिक्षु आंसर तो तेरा सही है, कैसे आया? लेकिन क्या किया तूने? तो आयुष 320 प्लस 120. अच्छा तो 320 प्लस 120 कैसे हुआ? अच्छा ठीक है, शायद तूने सही किया. चलो देखते हैं. हाँ मैं विजिक्षु बता रहा था, तू कैसे किया तूने? थोड़ा बहुत तो बता क्या किया, क्या दिमाग लगाया, क्या लॉजिक लगाया? ठीक है बेटा, आसम आंसर. कैसे बताऊं? बता दे क्या टाइप करके, बोल दे कि क्या किया, कि सर इसमें C4H10 की वॉल्यूम इतनी होगी, CH4 की इतनी मान ली, क्या किया, CO CH4 की वॉल्यूम में कुछ रिलेशन आया क्या? आयुष गड़बड़ है बेटा, खेलवाला आंसर तेरा. पुष्कर ठीक है, ईशान ठीक है. अनम्यूट कर दूं? नहीं नहीं रुक जाओ, वो नहीं समझाएगा, मैं ही समझाऊंगा, रहने दो.
हाँ भाई, दिव्यांश ठीक है, ईशान ठीक है, अनुराग ठीक है। हाँ अर्नव सही बेटा आंसर। चलो तो मैं कुछ बातें थोड़ा डिस्कस करना स्टार्ट करता हूँ, लग रहा है कि काफी लोगों ने सॉल्व कुछ कुछ लेवल तक तो कर ही लिया है। रिएक्शन बनाई पूरी, फिर यूनिटरी मेथड से किया। चलो देखते हैं, पूरी रिएक्शन बनाने की जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे। चलो हाँ, तो तुम्हें देखो क्या बोला हुआ था, सुनो सब लोग, 1 मिनट रुक जाओ, एवरीवन स्टॉप राइटिंग, लिसन हियर। तुम्हें बोला था कि परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ सी फॉरेशन ने गैसियस मिक्सचर ऑफ सी फॉरेशन सी एच फोर एंड सीओ इज 40, तो 40% है परसेंटेज मिक्सचर में, और 200 ml मिक्सचर को बर्न किया इन एक्सेस ऑफ O2, है ना। तो पहले तो एक मिक्सचर ले लेते हैं, सुनो इधर ध्यान से सुनना, ये कंटेनर ले लिया अपन ने, इस कंटेनर की वॉल्यूम 200 ml है, इसके अंदर अपने पास C4H10 है और CH4 है और CO है, और तुम्हें बोल दिए 40% इसमें क्या है, C4H10। सुनना इधर, देखना स्क्रीन पर, तो बेटा अगर 40% C4H10 है तो C4H10 की वॉल्यूम कितनी आएगी, कोई बताएगा? 80 ml। सही बात है, तो इन दोनों की टोटल वॉल्यूम कितनी बच गई, 120। अब इसमें मैं ये कर सकता हूं, अब यहां ध्यान से, ये वाला यहां पर इंपॉर्टेंट है, यहां पे टाइम कैसे बचाएंगे, सुनो। अब प्रॉपर तरीके से तो क्या कर सकता हूं कि मैं इसको एक्स मान लूं तो ये 120 माइनस एक्स हो जाएगा, राइट होगा, लेकिन अपने को CO2 की वॉल्यूम चाहिए, तो थोड़ा सा अगर तुम सोचोगे तो तुम्हें दिखेगा कि भाई एक सी फोर एस्टेन से कितने CO2 बनते हैं, बताना जरा, एक सी फोर एस्टेन से कितने CO2 बनेंगे, चार, है ना, चार CO2 बनेंगे। अच्छा, एक CH4 से कितने बनेंगे, एक CH4 से कितने बनेंगे, एक, और एक CO से कितने बनेंगे, एक। तो ये 120 माइनस एक्स से और एक्स से करने की जगह है, मैं इनको हटा ही दूं, तो अगर मैं इनको हटा दूं और सीधे सीधे ये देख लूं कि ये 120 में से कितना बनेगा, ये 120 में से ये कितना बनेगा CO2, यहाँ 120 बनेगा ना, भाई जब CH4 से भी जितना CH4 उतना CO2 आना है, जितना CO उतना ही CO2 आना है, तो जितनी वॉल्यूम है उतनी वॉल्यूम CO2 की बननी है टोटल, ये बात समझ आती है। अगर इन दोनों से वन वन नहीं आ रहा होता तो कर लेते अपन कि भाई एक्स और 120 माइनस एक्स, और फिर यूनिटरी अप्लाई कर लेते, उससे भी आंसर आएगा, बट ये डायरेक्ट भी सोच सकते हैं कि भाई जब इस पूरे मिक्सचर में 1:1 रेशो में ही कन्वर्ट होना है तो 120 ml से 120 ml आना है, और इधर देख लेते हैं 80 ml से ये कितना आएगा, इसके 80 ml से ये कितना बनेगा, वेदांत कह रहा है कि सर ये 120 और 80 कैसे आया। वेदांत बेटा सवाल क्या कह रहा था, देख जरा ऊपर, ये क्या कह रहा है, ये 40 क्या है, वेदांत जवाब देना मेरे को, ये 40 क्या है, जल्दी, वेट कर रहा हूं मैं तेरा। क्या ये 40 कहां गया, अगली बार से रिप्लाई नहीं करेगा तो अगली बार से डाउट नहीं बताऊंगा तेरे को मैं। आयुष कह रहा मुझे डर लग रहा है, अबे तो तुझे थोड़ी बोल रहा, आयुष वेदांत से पूछ रहा हूं ना, चल ठीक है, अब उसे समझने नहीं है तो कोई क्या करे। हाँ स्नेहा कह रही है 120 माइनस एक्स और एक्स कैसे करना है वही बता दो। अरे वेदांत तुझे नहीं बोल रहा यार, मैं वेदांत बोल रहा हूं, तो रहने दे वेदांत बेटा, अब तो अगला सवाल समझना, पानी पीने गया था तो।
पानी की बोतल पास में क्यों नहीं रखते हो? मैं भी ब्रेक में जाता हूँ कि यहाँ रखता हूँ अपने पास पानी पीने के लिए। हाँ 120 -X और X वाली बात तो सुन लो, जिस जिसको सुनना है कि भाई मान लो आपको नहीं डायरेक्ट समझ में आ रहा कि डायरेक्ट कैसे करना है, तो अपन ऐसे करते कि इसको मान लिया XML और ये टोटल 120 है, सुनना ध्यान से। तो ये 120 -X हो गया। स्नेहा बेटा यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ। अब ये 1CH4 से CO2 एक ही बनता और एक CO से एक CO2 बनता, तो ये 120 -X से कितना बनेगा? 120 -X है ना, और ये X से भी X बनेगा, और इन दोनों को जोड़ना जरा कितना बन रहा है टोटल? 120। तो मैं बस ये कह रहा था कि यही लॉजिक तुम डायरेक्ट भी सोच सकते हो, मतलब कि अब ये भी 1:1 फॉलो कर रहा है और ये भी 1:1 फॉलो कर रहा है, तो इनकी जो भी वॉल्यूम है उतनी इनकी बननी है। जब इनका टोटल 120 आना है तो इन दोनों का टोटल भी 120 ही आएगा, उससे हम अपना थोड़ा टाइम बचा सकते हैं ये वाला। ठीक है, अब इसके बाद तो कुछ बचा नहीं, सवाल में जवाब आ गया। इन दोनों का टोटल कर दो, 440 ml आंसर। ठीक है। हाँ, हो सकता है बड़ा सॉल्व किया हो, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, बट मैंने तो तुम्हें शॉर्ट कैसे करना है सिखा दिया, और आई एम एक्सपेक्टिंग के समझ में भी आ गया होगा कि कैसे हो रहा है लॉजिकली, आराम से कम मेहनत में, है ना? हो रहा है या नहीं कम मेहनत में? तो कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार तुम सवाल करोगे, कई बार होगा ऐसा कि तुम लंबे मेथड से करोगे, करना भी चाहिए। उसके बाद तुम्हें खुद के ही किए हुए सवाल जब तुम सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट करोगे तो तुम्हें अपने सवालों में शॉर्टर मेथड्स मिलेंगे। जैसे जब तुमने मूल कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा था तब तुम एक तरीके से सवाल करते थे, अब तुम दोबारा उनको रिवाइज करोगे, दोबारा करोगे प्रैक्टिस, तो तुम्हें खुद उन्हीं सवालों को जल्दी करने के तरीके मिल जाएंगे। आएंगे आएंगे, तुम्हें भी आएंगे धीरे धीरे, प्रैक्टिस करोगे ना तो ये आएंगे। चलो आगे बढ़े अगले सवाल की ओर। अभी क्यों नहीं आते? अभी कैसे आ जाएगा बेटा? जो चीज मुझे इतने सालों में आई है वो तो मैं भी कैसे आ जाए? ये तो एक लाइफ अनफेयर हो जाएगी फिर। लाइफ इज हमेशा फेयर। जो काम किसी को एक्स मेहनत में मिला है, करके मिला है, वो तुम्हें भी एक्स मेहनत के बाद ही मिलेगा। बिना एक्स मेहनत के कैसे मिल जाए? इसीलिए जिंदगी में किसी को भी कुछ फ्री में नहीं मिलता है। एक सवाल और दे दो फटाफट से, इस सवाल को कम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि सिमिलर है। ठीक है, जैसा भी किया वैसा सवाल है। आई जस्ट वॉन्टेड टू डू इट ऑन योर ओन, तो मैं फटाफट शॉर्ट में आंसर बताऊंगा इसका। टाइम तो फर्क आएगा, बिल्कुल आएगा। लिखो सवाल, क्वेश्चन। द परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ C3H8, द परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ C3H8 इन अ मिक्सचर ऑफ C3H8 कॉमा CH4 एंड CO इज 36.5 फुल स्टॉप। द वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड, द वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड व्हेन 100 ml ऑफ द मिक्सचर, व्हेन 100 ml ऑफ द मिक्सचर इज बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ O2 इज, योर ऑप्शंस आर ए 153 ml,
193 ml, सी 173 ml, या फिर डी 213 ml. इसको कर लो. काफी सिंपल है, मतलब पिछले सवाल को करने के बाद तो ये डायरेक्ट हो ही जाना चाहिए. सही है, आंसर आ रहे हैं लोगों के. सौरभ बेटा गलत आंसर आया है तेरा. कैसे गलत आ सकता है यार, पिछले सवाल करने के बाद इसको कैसे गलत कर सकते हैं. अनुराग गलत है बेटा तेरा आंसर भी, बाकी लोगों का ठीक आया है. इति, खुशबू, पुष्कर. इति का मैसेज तो बड़े दिनों बाद दिख रहा है. वैभव, श्रेयस, पर ऑप्शन ही नहीं है यार जो कह रहा है. बाकी लोगों के तो ठीक है. अनुराग, यशोधरा, अक्षत. नहीं सर, अरे तो नाम दिखता नहीं तेरा बड़े दिनों से. विधान, चलो मैं भी सॉल्व कर लूं इसको. सॉल्यूशन 100 ml का मिक्सचर है जिसमें C3H8 है, 36.5% तो 36.5 ml आएगा, और बचा हुआ CH4 और CO है तो इनका टोटल कितना आएगा. 100 माइनस 36.5 कितना आता है भाई, 63.5 ml. वेरी गुड, 63.5 ml. तो ये 1:1 में बर्न करेंगे. एक CH4 से एक CO2 मिलेगा, एक CO से एक CO2 मिलेगा, तो इधर भी वॉल्यूम 63.5 ही आने वाली है जैसा पिछली बार हुआ था. और इधर एक C3H8 से कितने CO2 मिलेंगे बेटा, एक C3H8 से कितने CO2, तीन CO2, तो 36.5 से तीन गुना मिलेंगे, तो कितना आएगा ये टोटल. 36.5 × 3 इज 109.5. वेरी गुड, 109.5 ml. तो CO2 की टोटल वॉल्यूम. कितना आने वाला है, 173 ml. ठीक, समझ में आई बात. चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अलग वैरायटी का सवाल करते हैं. कैलकुलेशन में गलती हो गई थी, हाँ ये भी होता है, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखो. क्लियर है ना, सिंपल है बिल्कुल, पिछले साल जैसे, पिछला क्वेश्चन जैसा. ठीक है पुष्कर, बिल्कुल बढ़े आगे. सवाल में कुछ और वेरिएशन लेके आते हैं. लिखो, अ गैसियस एल्केन इज एक्सप्लोडेड विद ऑक्सीजन. अ गैसियस एल्केन इज एक्सप्लोडेड विद ऑक्सीजन, फुल स्टॉप. द वॉल्यूम ऑफ O2 फॉर कंप्लीट कंबस्शन, द वॉल्यूम ऑफ O2 फॉर कंप्लीट कंबस्शन to the volume of CO2 formed is in the ratio7:4, full stop. The molecular formula of the alkene is formula
ऑफ द एल्केन इज, और आपके ऑप्शंस हैं ए सी टू एच सिक्स, बी सी एच फोर, सी सी थ्री एच एट, या फिर डी सी फोर एच टेन। अरे इतनी जल्दी आंसर गलत लग रहा है यार, दो लोगों का आंसर आया, दोनों का गलत है। एल्केन क्या होता है? कैसे सवाल पूछते हो मुझे, इसलिए तो कहता हूँ तुम बचपन में पढ़ते थे तो भूल गए क्या? खैर तुम्हारी गलती नहीं है, पढ़ते तो सर हम एग्जाम देने के लिए हैं, उसके बाद जिंदगी में कहाँ याद आना है। हर्षल ठीक है बेटा, पार्थ ठीक है, आयुष ठीक है। तो मैं कह रहा था कि कहाँ जिंदगी में, फिर मतलब 10th के लिए पढ़ना था सर हम जिंदगी में, मतलब इसलिए थोड़ी पढ़ रहे थे कि हमको सीखना है कुछ, मजबूरी थी सर, बहुत बड़ी मजबूरी थी, 10th बोर्ड देना था, घर वाले पीछे पड़े थे इसलिए पढ़ाई कर रहे थे। स्कूल भी हम इसलिए जाते हैं क्योंकि घर वाले पढ़ने को बोलते हैं, हमको कोई ना बोले तो हम तो जिंदगी में सर पढ़ाई करें ही ना। तो इतनी बातें नहीं सुनाता मैं तुमको। एल्केन क्या होता है? क्या पूछ रहा था, कौन पूछ रहा था एल्केन क्या होता है? श्रेयस, हाँ भाई एल्केन क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बेटा, और अगर कुछ नहीं तो इतना याद होना चाहिए कि एल्केन का एक जनरल फॉर्मूला पढ़ते हैं बचपन में, इतना याद हो तो उतना काम हो जाएगा, बाकी कुछ पता हो ना पता हो। क्या था जनरल फॉर्मूला? Cn(H2n+2), अगर ये भी याद है ना तो भी काम हो जाएगा। सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन, बिल्कुल सही बात है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन, इसको कहते हैं एल्केन। अब कर ले बेटा, अब मैंने बता दिया तेरे को, और अब आगे के लिए याद रखना, भूलना नहीं, पढ़ाई कर रहे हैं हम सीखने के लिए, नंबर तो बाय प्रोडक्ट है। हाँ नॉलेज लेकर मार्क्स नहीं आते तो घर वालों को क्या बोलते? नॉलेज से मार्क्स नहीं आते ना बेटा, नॉलेज को अप्लाई करना भी आना चाहिए, बिना एप्लीकेशन के मार्क्स नहीं आएंगे। ज्ञान अकेला होने से कुछ नहीं होता, ज्ञान का इस्तेमाल करना आना चाहिए, है ना? स्ट्रेट ड्राइव कैसे मारते हैं पता सबको होता है, बट अब विराट कोहली जैसे स्ट्रेट ड्राइव मार नहीं पाता ना हर कोई। ज्ञान से अकेले से काम नहीं होता, ज्ञान इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो नॉलेज एंड इंटेलिजेंस आर हाईली ओवररेटेड, कि इनसे कुछ होता है इनसे नहीं होता, इनसे प्रैक्टिस से होता है। चलो मैंने बहुत बातें कर ली तो मैं बहुत टाइम दे दिया है ना, अब तक तो आंसर आ गया है कई लोगों का, और आंसर बिल्कुल सही है, कुछ लोगों की गलत है, आंसर ए आएगा बेटा है ना, आंसर इज ए। क्यों आएगा कैसे आएगा देख लेते हैं, करना कुछ नहीं, रिएक्शन लिखनी है, लिखें रिएक्शन, रिएक्शन लिखते से अपना काम हो जाएगा। एक इक्वेशन में देखो आपको इतना पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन एल्केन जो होते हैं वो इस फॉर्मूले में लिखे जाते हैं, इनको O2 के साथ रिएक्ट कराना है, तो Cn(H2n+2+O2) प्रोडक्ट में बनाएगा CO2+H2O। अच्छा बैलेंसिंग कर दें तो बेटा CO2 के आगे क्या नंबर आएगा? CO2 के आगे क्या नंबर आएगा इसमें बैलेंस करेंगे तो? N आएगा, ये बात समझ में आती है, N कार्बन है, कार्बन का नंबर N है, तो यहां भी N करना था तो N हो गया। अच्छा हाइड्रोजन है 2n+2, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें? n+1 से मल्टीप्लाई कर दें ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंसिंग आ गई n+1। अब ऑक्सीजन बैलेंस करना रह गया है, तो ऑक्सीजन गिन लेते हैं, यहाँ 2n ऑक्सीजन है ना, इधर ऑक्सीजन अगर गिने हैं तो 2n यहां से आ रहे हैं, और यहां से कितने आएंगे? n+1, तो टोटल कितने हो गए बेटा? 3n+1 हो गए ऑक्सीजन, तो
यहाँ 3n+1 करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे 3n+1 करने के लिए क्या करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 3n+1/2, 7n/4 नहीं यहां से बेटा, 3n+1/2 आएगा ना भाई। अगर तुम्हें नहीं समझ में आया ना तो क्या करो, इसको x मान लिया करो, तो 2x = 3n+1, x = 3n+1/2 आ जाएगा, है ना, सिंपल लॉजिक है। वैसे तो इतना नहीं करना चाहिए, मगर नहीं समझ में आ रहा है तो तुमने मैथ्स पढ़ी होती है बचपन में, बेसिक एलजेब्रा इसलिए पढ़ा होता है, इस काम किसी दिन तुम्हारे काम आए। तो यहाँ आएगा 3n+1/2। ऑल राइट, यहाँ तक दिक्कत तो नहीं, किसी को बोलना मत कि हाँ सर दिक्कत है, नहीं है ना, तो सही में नहीं है ना दिक्कत, ये बैलेंसिंग की और कुछ नहीं किए, अरिथमेटिक मीन नहीं निकाला यार, ये अरिथमेटिक मीन नहीं है, मैंने सिर्फ ऑक्सीजन का नंबर बराबर कर दिया दोनों तरफ, इधर 2x और इधर 3n+1। चलो उत्कर्ष को मजे आ रहे हैं, आंसर दिक्कत है, बस अब अपना काम हो गया, अब जो क्वेश्चन ने बोला था वो कर लेते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा, वॉल्यूम ऑफ O2 टू द वॉल्यूम ऑफ CO2 इज 7:4। तो बेटा O2:CO2 का रेशियो दे रखा है आपको, यही बोला है ना क्वेश्चन में, गिवन O2:CO2 इज 7:4, और ये रेशियो अपने को रिएक्शन से कितना मिल रहा है, 3n+1/2/n, तो दिस इज 3n+1/2/n, तो दिस बिकम्स 7/4 इज इक्वल टू 3n+1/2n, सो यू सॉल्व दिस, 14n इज इक्वल टू 12n+4, n इज इक्वल टू 2 आ गया, और n 2 आने पर एल्केन अपना हो गया C2H6CnH2n+2, में इसको n को रख दोगे, तो तुमको ये आंसर मिल जाएगा। छोटा सा था ना सॉल्यूशन, तो इथेन है ये बिल्कुल, तो सॉल्यूशन तो छोटा सा है, बस समझ में आ जाए। राइट, तो यूडोमेट्री पे सवाल तो और भी हैं, मैं सोच रहा हूँ एक आध और करवा देता हूँ। हाँ, मोल तो रिवाइज करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, एक क्वेश्चन और करवा दूँ, चलो वन मोर क्वेश्चन और थोड़ा टफ नेक्स्ट लेवल बढ़ा लेते हैं। Let's increase the toughness level. लिखो question. A volume of 200 ml volume of 200 ml of oxygen is added to 100 ml is added to 100 ml of a mixture containing CS2 gas and CO, comma, and the total mixture is burnt. And the total
mixture is burnt, full stop. After combustion, the volume of entire mixture is 245 ml. After combustion, the volume of the entire mixture is 245 ml. Full stop. Calculate the volume of O2 that remains. Calculate the volume of O2 that remains. Full stop. All the product gases, all the product gases of the reaction are soluble in KOH. ये ब्रैकेट में लिख लेना. तो इससे आपको उस क्वेश्चन ने हिंट भी दे दिया कि प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे. ठीक है, क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे. ऑप्शन दे दूं, इसमें आपको थोड़ी मेहनत लगेगी सॉल्व करने में. फिर ऑप्शंस आर ए 67.5 ml, बी 100 ml, सी 125 ml या फिर डी 200 ml. करो भाई, इसको करने में थोड़ा टाइम लगेगा. रिएक्शन लिखो, उसके बाद करो. मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सोचना पड़ेगा. विधान आंसर गलत लग रहा है यार तेरा मेरे को. हर्षल क्लास के एंड पे कर लेते हैं बात टिप्स को लेके, है ना. ठीक है उत्कर्ष, नहीं रुचिता बेटा आंसर थोड़ा गलत है. हाँ हर्षल सही है. नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि लास्ट में सिर्फ क्यूएच बच रहा है. मैंने ये कहा कि जो प्रोडक्ट गैसेस हैं, वो जो भी गैसेस हैं, वो सब क्यूएच में एब्जॉर्ब हो जाती हैं. तो इससे आप रिएक्शन का अंदाजा लगा सकते हो. दिस विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई दी प्रोडक्ट्स इन दी रिएक्शन. जैसे आपके पास क्या क्या है, सीओ है और CH2 है. तो इससे CO2 बन रहा होगा क्योंकि CO2 क्यूएच में एब्जॉर्ब होता है, और इससे CO2 और SO2 बन रहा होगा क्योंकि ये दोनों भी KOH में अब्सॉर्ब होते हैं. तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है ये अपने को इससे पता चल रहा है. तो इसको बैलेंस कर लो, तो CO2 2SO2, तो ये 3 आ जाएगा. अब थोड़ा मैंने हेल्प कर दी है. देखो इसके बाद हो रहा है क्या क्वेश्चन, आप लोगों से हो जाना चाहिए. वैसे तो मुश्किल नहीं है, पर ठीक है. आंसर आयुष ठीक है, पटेल अनुराग ठीक है, श्रेयस सही है. चलो तो मैं भी सॉल्व करना शुरू कर देता हूं. सीओ को मैं मान लेता हूं XML,
या रुको एक सेकंड, टोटल क्या दिया था मैंने तुमको, किस किस की वॉल्यूम दे रखी थी, 100 ml, ठीक है। तो CO है और CH2 है, इसको X मान लेता हूँ, जिससे 3O2 को 3X मान लेंगे, जो रिक्वायर्ड होगी। तो CO2 और SO2, और ये बनेगा 2। तो ये बनेगी X और ये 2X। CO+ ½ O2 गिविंग यू CO2, इसकी वॉल्यूम हो गई कितनी दे रखी है, ये हो गई 100 - X, तो ये हो गई 50 - ये हो गई 100 - X बाय 2, और ये प्रोड्यूस्ड कितनी होगी, CO यानी 100 - X। हाँ भाई, यहाँ तक समझ में आता है क्या? क्या किया सुन लो, हमको टोटल 100 ml दे रखा था, CO और CH2 मिलके 100 ml है, मैंने CH2 की वॉल्यूम XML मान ली, आई अज्यूम्ड CH2 भी XML, तो CO हो गया 100 - XML। और इससे मैंने ये निकाला कि O2 कितना लग रहा है, तो यहां पर एक के लिए 3 लगता है, तो X के लिए 3X लगेगा, हाँ या ना? आई वॉन्ट रिस्पॉन्स भाई। अगर XML CO2 है तो उससे रिएक्ट करने के लिए 3XML O2 लगेगा, बिल्कुल। इसी तरीके से अगर यहाँ CO की कुछ वॉल्यूम है तो उससे हाफ O2 की वॉल्यूम लगेगी, तो इस ये 100 - X था तो रिक्वायर्ड हो गई 100 - X बाय 2। तो O2 यूज्ड कितना हुआ मैं यहाँ लिख सकता हूँ, देयरफॉर O2 यूज्ड कितना है, तो 100 - X बाय 2 प्लस 3X यूज्ड है ना, एक जगह 100 - X बाय 2 यूज हुआ, एक जगह 3X, इसको टोटल कर देते हैं, तो ये आएगा 50 - X प्लस माइनस एक्स और प्लस 5X आएगा, यही आएगा 50 + 5X। स्नेहा कह रही वाई वी राइट सेपरेटली CH2 एंड CO, बेटा इनको अपने सेपरेट इसलिए लिखा है क्योंकि हमको ये नहीं पता ना कि CO और CH2 किस रेशियो में है, इनकी वॉल्यूम कितनी कितनी है पता नहीं है, तो इसलिए इनको अलग अलग लिखा कि भाई इसकी वॉल्यूम इतनी है तो उसके लिए O2 ऐसे निकलेगा, और इसकी X है तो उसके लिए 3X निकलेगा। एक साथ लिखते तो पता कैसे करते कि इसमें O2 कितना जा रहा है और इसमें O2 कितना जा रहा है, पता नहीं कर सकते ना, तो अपने को क्योंकि पता नहीं है तो इसके लिए पता कर लिया और इसके लिए पता कर लिया, जिससे टोटल आ गया अपने पास O2 कितना अपन ने यूज किया, ये O2 यूज आ गया, तो O2 लेफ्ट कितना हो गया, देयरफॉर O2 लेफ्ट इस 200 ml दे रखा था उसमें से ये हटा देते हैं 50 + 5X, तो O2 लेफ्ट कितना हो गया बेटा, 150 - 5XML, दिस इज O2 लेफ्ट। यहां तक दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल। और CO2 फॉर्म्ड कितना है, CO2 कितना बन रहा है देखो जरा, यहां बन रहा है 100 - X और यहां बन रहा है X, तो CO2 कितना बन रहा है, 100 - X + X, तो 100 ml बन गया, ठीक है। देख लो रिएक्शन में, एक रिएक्शन में 100 - X बन रहा है, दूसरे रिएक्शन में X बन रहा है, टोटल करेंगे X आएगा, 100 आएगा, और SO2 कितना बन रहा है, 2X, SO2 फॉर्मड इज 2XML, तो O2 अपने पास इतना बच गया, CO2 100 ml और SO2 2XML, तो टोटल फाइनल गैस वॉल्यूम इज O2 + CO2 + SO2, O2 लेफ्ट, CO2 फॉर्म्ड और SO2
रे क्या हो गई है, फॉर्म्ड है ना, O2 जितना बच गया, CO2 जितना बन गया और SO2 जितना बन गया, तो ये आ गया 150 माइनस 5x प्लस 100 प्लस 2x। और बेटा टोटल वॉल्यूम क्वेश्चन में कितनी दी थी, फाइनली क्वेश्चन में लिखा था कि आफ्टर कंबशन द वॉल्यूम ऑफ एंटायर मिक्सचर इज हाउ मच, 245। तो इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू कितनी आती है कोई बताएगा मेरे को। आफ्टर सॉल्विंग दिस एक्स कम्स आउट टू बी, मुझे ही करना पड़ेगा, मैं ही कर देता हूँ। चलो तो यू हैव अपन ने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कर रहा हूँ मैं, कर रहा हूँ। हाँ, रुको रुको रुको, मैं ब्रीफ में समझा भी देता हूँ। कुछ लोग रिवीजन बोल रहे हैं कि कुछ दिक्कत, मतलब क्या किया वो बता दो, और एक मिस्टेक भी मेरे को दिख गई है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, इधर देख लो, मैं ब्रीफ में समझा दे रहा हूँ मिस्टेक क्या है वो, तो मैं बता रहा हूँ, ब्रीफ में सुन भी लो जिस जिसको डाउट था। मैं जल्दी से एक बार क्विक रिकैप दे रहा हूँ क्वेश्चन का। हमें क्वेश्चन में बोला हुआ था कि CO और CH2 का मिक्सचर है 100 ml, उसमें O2 से रिएक्शन करा दिया, कुछ प्रोडक्ट बने, प्रोडक्ट हमने पता कर लिए किसकी मदद से, KOH की मदद से, हमने रिएक्शन लिखा। मेरे को नहीं पता था कि 100 ml में CO कितना है, CH2 कितना है, सुनना ध्यान से, मुझे नहीं पता था कि 100 ml में CO और CH2 कितना है। तो मैंने CH2 को X मान लिया, तो CO बच गया 100 माइनस X, इसकी रिएक्शन लिखी। एक्स एम एल सी एस टू के लिए O2 3X आएगा लगेगा, मतलब रिएक्शन में 3 गुना, और 100 माइनस X के लिए इसका हाफ लगेगा, तो 100 माइनस X बाय 2। अब अपनी गलती भी यहीं से पता चल जाएगी, हमको O2 कितना लगा ये पता करना था, तो इधर 3X लग रहा है, इधर 100 माइनस X बाय 2 लग रहा है, इन दोनों को उठा के हमने ऐड कर दिया। ऐड करते वक्त जब हमने डिवाइड किया तो 5x बाय 2 लिखना भूल गए, तो ये आएगा 5x बाय 2। दिस विल कम आउट टू बी 5x बाय 2 और 5x बाय 2 ml, 150 माइनस 150 माइनस 5x बाय 2। ठीक है, तो हमने यहां मिस्टेक कर दी थी। तो ये तो O2 कितना यूज हो गया ये निकाल लिया हमने, इस तरीके से ये भी पता कर लिया था कि CO2 कितना बना, और यहाँ CO2 और SO2 कितना बना। क्वेश्चन ने हमको ये बोला कि रिएक्शन खत्म होने के बाद सारी जो वॉल्यूम आती है वो आती है 245। तो उसको मैंने देख लिया कि भाई CO2 की वॉल्यूम 100 ml, SO2 की वॉल्यूम 2x रख दी, और O2 जो बच रहा था उसको मैंने यहाँ रख दिया। उसको यहाँ रखने पर 150 माइनस 5x बाय 2 आएगा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यू गेट x बाय 2 एज 5 ml एंड x एज 10 ml, 10 ml x की वैल्यू आ गई। ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि रूपांशु कह रहा है एक को हाफ किया दूसरे को 3x क्यों किया। रूपांशु आज तो पिटाई खाएगा बेटा, मोल कॉन्सेप्ट सिखाया था कि नहीं, एक सीओ के लिए कितने ओटू लग रहे हैं बताना जरा, कितने ओटू लग रहे हैं हाफ, तो आधा करेगा कि नहीं करेगा, और यहाँ एक CH2 के लिए कितने ओटू लग रहे हैं, 3, तो इसलिए ट्रिपल कर दिया। हाँ भाई, एक्स हमारा आंसर नहीं है, हमसे पूछा गया था, हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में, ओटू लेफ्ट पूछा था ना, है ना, बिल्कुल। तो देयरफॉर O2 लेफ्ट इज इक्वल्स टू 150 माइनस 5x बाय 2 व्हिच इज 150 माइनस 25 इज 125 ml एज दी आंसर, और हमारा आंसर आ गया।
ना, ऑप्शन सी था ना, ये सी था ना क्वेश्चन में। ठीक है। हाँ, अब कहाँ स्क्रॉल अप करना है भाई? लो, जूम आउट कर दिया। ठीक है, दिस इज सो कंफ्यूजिंग, अब भी लग सकता है क्योंकि क्वेश्चन ने बहुत कुछ तुमसे करवा लिया, तो तुमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इतने सवाल बहुत हैं, इनको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना बस, रिपीट कर करके। जो सवाल थोड़े से टफ लग रहे हैं इनको रिपीट कर लेना। तो पहले तो बताओ भाई, आज के लिए इतने सवाल पे क्लास रोक लें? ठीक है, चलो इतने सवालों पे रोक लेते हैं।